अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम जा रहे हैं किसी, अब जो है ना, किसी ज़रूरी काम जा रहे हैं अपने होटल पे, जहाँ पे मैं जॉब करता था। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वहाँ पे मेरी जो है ना, होटल वालों के साथ। तो अभी जो है ना, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ड्यूटी पे नहीं जा रहा था, इसलिए तो अब मैंने जाना है, कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है बड़े एग्जैक्टिव शेफ साहब से। तो उसके लिए जो है ना, 4 बज चुके हैं, लेकिन मैंने जाना है बस उनसे, शेफ से मिलना है, फिर देखते हैं मेरी वहाँ पे जाके क्या बातचीत होती है। क्योंकि मैंने जो है ना, कुछ छुट्टी वगैरह की वहाँ से, कुछ ज़रूरी काम था, कुछ तबीयत नासाज थी, तो इसके लिए जो है ना, हम उन्होंने कहा कि आपने ज़रा छुट्टियाँ क्यों की हैं। मैंने उसे बताया कि यार मेरा मसला था कुछ, मैंने इसलिए छुट्टियाँ की हैं। तो अब मैं देखता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ फिर क्या होता है। ठीक है, चलते हैं। नोट आ जाओ, आप रेडी हो? सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपने, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा अब हेलमेट हम दे दे नोट, थैंक यू। तब से मुझे रस्ते मुझे जाते हुए पकड़ाना है इन्होंने, फिर है ना। देने को पहने अब हम चलते हैं, तो फिर आपको बताएंगे कि नजम जी के जी जो वहां है पे देखते कौन हैं, सा जरूरी जाके काम देखते है। हैं कि शेफ साहब के साथ क्या बात ये क्या है? हुई है, क्या जो है ना मामला तय पाए, देखते हैं। ओके, ये भी चलें, अब चलते चलो हैं। आज मैं निकल रहा हूँ, आप भी आ जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम जा रहे हैं, कोई मसला ना हो जाए, बस बस अब A चलते हैं, देखते हैं। few बाइक हमारी हमारी स्कूटी के स्कूटर है, ये inches स्कूटर है, later, घोड़ा है हमारा, घोड़ा। motorcycle, चेंज अब करेंगे। हम जाने लगे हैं। जब आपको क्या फील हो रहा है वैसे बुलाया तो? मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह ताला पे है, तो मैं किसी से नहीं डरता। जो बात होती है मैं सीधी सीधी करता हूँ, इमरान खान की तरह। चलो चले अब हम चलते हैं। चलो 1 hour later, बाबे वाली अच्छा लोग, वही कह रहा हूँ। अबे वो बाबे वाली बेच पर रहा है, मैं तो अच्छा लोग नहीं। तो जी अब हम जा रहे हैं, तकरीबन पहुंच गए हैं यहाँ पे अपना, ये 3 ब्लॉक के पास गोली है। ठीक है, जहाँ पे यार ये जो है ना, क्या रोड का नाम है, वादत रोड के पास पहुंच गया। यहाँ से थोड़ा सा रह गया, मुस्लिम टाउन। नहीं मुस्लिम टाउन से आगे आ गया, वादत रोड पे पहुंच गया। वादत रोड से अब हम जाएंगे वहाँ पे जो होटल, वहाँ से मेरा होटल आ जाएगा। अब तो फिर जो है ना, वहाँ पे बात करनी है होटल वालों के साथ, क्या सीन है। ठीक हो गया, चलते हैं चलते हैं। वो देखो कितनी अच्छी गाड़ी पे जा रहा है, इंशाल्लाह आप भी गाड़ी देखे यार। आपकी आंखों में मट्टी भरा है ना, पड़ी मेरी आंखों में मट्टी पड़ी है, मैंने इसलिए तुम्हें कहा कि ग्लासेस लगा दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बस मेरा है, मेरे हेलमेट उतारा ताकि मेरी ग्लासेस देखे खान। तो यार डर से बचना चाहिए, मैंने अभी हेलमेट उतारा ताकि आवाज सही आए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम जा रहे हैं ना, एम्पोरियम मॉल चलते हैं। 2000 years later ना, तो जी अब हम आ गए हैं निशात होटल के पास, बिल्कुल यहाँ से हम निकलते सीधा निशात होटल जाएंगे। वहाँ से अभी आपको दिखाते हैं जरा जो है ना, किधर है निशात होटल, किधर है निशात होटल। जैसे ही हम आगे जाके रोड पे टर्न लेंगे, सामने बड़ी बिल्डिंग निशात होटल आएगी। इधर से दिखाते करते हैं फिर आपको। जी यहाँ पे फोन किया रोड पे, अब जो है अब कहाँ को बढ़ना है, अब राइट साइड पे जाएंगे इम्पोरियम। इम्पोरियम हाँ वाओ, जी वो ओ बिल्डिंग वो वाली हाँ, आ गया, पास ही आ गया। ये देखिए रात को ज्यादा प्यारी लगती है लाइटिंग, है ना, शूज जूते बोर्जन के, बोर्जन हाँ बोर्जन ब्रांड है ना वो। सामने आ गया जी निजात होटल, ओ गॉड एम्पोरियम का। तो आप जा रहे हैं वहाँ, हाँ जी निशान होटल आ गए एम्पोरियम मॉल। किस तरह से दिखाते हैं आपको, अभी तो नजर का सारी नजर आई यार। वाह जी वाह, आ गया है जी। हमने नीचे नहीं जाना है क्योंकि हमें पार्किंग, किधर को जाना है,
कार की पार्किंग नीचे है, हमने सीधे ही जाना है। अच्छा तो टला आ गया, ये देखें अब जाते हैं अंदर। किधर को उतरना है हमने? बताता हूँ अभी, तो मौसम सही हो गया क्या? मुझे लग रहा है नहीं, छांव हो गई है ना, सूरज की रोशनी खत्म हुई है। जी ये मेरा होटल है निशात होटल, ये इम्पोरियम में साथ ही निशात होटल है भाई, निशात ग्रुप। चलें आप चलते हैं अंदर, हम चलें अभी चलते हैं। हैं? हाँ हाँ चलते हैं अंदर, अभी में नजर लगाते हैं भाई। ये क्या है? A few moments later. तो जी अब हम पहुंच गए निशात होटल, अब हम जा रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट में। वाओ यार प्यारा है। हाँ जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ जी फर्स्ट टाइम आई है, अब हम चलते हैं ऊपर। अब जरा हम जो है ना वेट यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ही लिफ्ट कोई आती है फिर हम चलते हैं। मैं जब तो रोज ही आते थे ना। हाँ मैं तो, आपने देखा था ये? मैंने वैसे मैंने नहीं था देखा, ये फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये लॉबी है निशात होटल की ऊपर। यहाँ पे वैसे टिकटॉक सही बन सकती है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ऐसे करके, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, चले जी। वो आ गई है एक, उस पे चल सकते हैं। चलो ये देखें हम आ गए हैं, वो तो हो गया। चलो जी किधर जाना हमने? फोरफिट होटल बाय हमने। हाँ मैं तो आ गया। शो 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 ये देखें इसमें भी ये देखें आप वहाँ पे अभी चलती हैं। 2000 years later. तो जी फ्रेंड अब जो है ना हम आ चुके हैं निशात होटल इम्पोरियम मॉल में। जैसा कि आप देखते हैं नजम जो है ना ऊपर जा रहे हैं, मैं जो है नीचे से बैठ के शूट कर रही हूँ। देखिए ऊपर से जो है ना बाय बाय करेंगे अभी, तो अब जो है ना जब ऊपर जा चुके हैं, अब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ वेटिंग एरिया में, जो कि यहाँ पे गेस्ट रूम है। इस वजह से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी जो है ना डेकोरेशन पीसेज उन्होंने लगाए हुए, बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना निशात होटल इम्पोरियम मॉल की लॉबी है, जहाँ पे जो है ना यहाँ पे केक वगैरह और पेस्ट्रीज वगैरह और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है ना बनाई जाती हैं। देख सकते हैं नजम ऊपर चले गए हैं, ऊपर से जो है ना नजम की रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव थी, लेकिन मैंने यहाँ से ओवरवाइज किया क्योंकि नजम ने उनको कह रहे थे कि आपकी भाभी जो है ना वो नीचे बैठी हुई है, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उनको जो है ना पहुँचा देना। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना जूस आ चुका है मेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट था। मैं आपको पी के बताती हूँ कि कितना मज़े का टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा। ये निशात होटल का जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये जो जूस था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि नजम ने जो है ना उनको कह दिया था कि आप जो है ना मेरी आपकी भाभी जो है ना नीचे बैठी हुई है। तो जी फ्रेंड अब जो है ना मैं ऊपर आ चुकी हूँ, नजम ने मुझे कॉल करके बुला लिया था कि नूर आओ मैं आपको विज़िट करवाता हूँ अपना जो है ना होटल जहाँ पर मैं जॉब करता था। अब मैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज एंड एशिया प्लास्टिक, इस तरह से जो है ना यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह है, वो नीचे जो है ना वो एग्जीबिशन लगी हुई थी जो कि नजम मुझे दिखाने लेके गए थे, ताकि जो है ना मैं आपको पूरा आज का जो व्लॉग है वो दिखाऊं। और यहाँ पे नजम बताएंगे आगे कि जो नजम को जिस तरह के बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला काम था। तो अब हम चलते हैं बाहर। अब जो है ना होटल से मिल गए सब पूरे स्टाफ को, जो है ना बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिले, सब ने वेलकम किया और वेलकम ड्रिंक बनाई मुझे नूर को। तो मैंने फिर जाना था वहाँ पे शेफ साहब से मिलने के लिए, नूर वहाँ पे बैठी थी लॉबी में, वहाँ पे बैठ के मैंने कहा यहाँ पे बैठे कुछ लॉबी जो भी खाना पीना है। और वेटर जो है वो मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे लोग हैं सारे यार। उन्हें मैंने बता दिया कि यार वो ना आप बैठी है नीचे, आपकी भाभी बैठी हुई है तो देखो जो भी केक उसको आप देना बता देना है। तो कहते भाई ठीक है। तो फिर मैंने नूर से पूछा कि नूर आपने कुछ खाना पीना है और मजीद कुछ खाना है? उन्होंने भी पूछा, लेकिन नूर ने कहा कि नहीं बस मैंने वेलकम ड्रिंक पीनी है क्योंकि नाश्ता कैसे करके है। अब हम निकले हैं बाहर, अब जो है ना जा रहे हैं, अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है ना फिर नूर अब घर चलते हैं यार, काफी टाइम ज्यादा हो गया। घर जाना है? हाँ आप घर जा रहे हैं। तो फिर जो आज का हमारा व्लॉग था वो तो जी प्रॉपर तो हमने किया नहीं, बताया नहीं किस वजह से गए थे हम।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी मैं जी जी बिल्कुल आपको जैसा कि हाँ जी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है ना आने का रीजन यही था कि मैंने मुझे ये की थी जब आपने मुझे बुलाया था कि नजब आपकी छुट्टियाँ ना कुछ ज्यादा होंगी, मेरी तकरीबन 10-15 छुट्टियाँ होंगी डिपार्टमेंट जॉब की, तो मैंने जो है ना वहाँ पर छुट्टी की। तो जैसा कार्यक्रम यार ऊपर से ना मेल आई हुई है कि ये राजकुमार हसन जो है इतने दिन गैर हाजिर है और कितने अच्छे बारे में, वो कह रहे थे कि आप मुझे बताओ कि क्या सीन है क्या करना है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि यार मैं जो है ना मैं नहीं आ सकता, तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से फारिग हैं, ये कहा उन्होंने। दोस्त बेकारी नहीं आप, बहुत पैसे अपने पास। तो जी शख्स से मिला तो उन्होंने कहा है कि जी आपने इतनी ज्यादा छुट्टियाँ की हैं, इतनी ज्यादा छुट्टियाँ नहीं देते आप। उन्होंने ना मुझे बताया कि जी ये मसले मसाइल है आपको ऐसे नहीं करेगा, तो उन्होंने मुझे पनिश किया कि जी आप ऐसे ऐसे करें, लेकिन या तो फिर आप रिजाइन कर दें या फिर आप फारिग हैं हमारी तरफ। फिर मैंने कहा ठीक है यार फारिग है तो फिर मैं छुट्टी करता हूँ, मैं जाता हूँ घर, अब मैं निकल आया हूँ, अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए कोई शादी पर पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वाली अब मैंने जॉब पे छोड़ दी है, अब छोड़ दिया और नजम को निकाल दिया। हाँ छुट्टी की उन्होंने भाई निकाल दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, आप अपना काम करें। तो हाँ जी छुट्टियाँ नहीं हम दे सकते, इतनी ज्यादा छुट्टियाँ आपने की हैं, आपका इधर जो है आपका अपना घर थोड़ी, आपका अपना होटल थोड़ी है जो आप इतनी छुट्टियाँ खाते हैं। तो फाइनली यही था कि अब हम चलते हैं घर, आपको बता दिया किस वक्त इतनी हम किए थे, अब हम चलते हैं घर अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट्स में बताना है कि यार मैं अब क्या करूँ, मैं कौन सी जॉब करूँ और क्या करूँ यार, मुझे तो अभी कोई समझ नहीं आ रही, मेरी जॉब भी बड़ी अच्छी शख्स है, या तो फिर किसी और होटल में अप्लाई करूंगा तो या फिर देखता हूँ कि मैं क्या करूँ। जो अल्लाह ताला बेहतर करे, बिल्कुल अल्लाह ताला बेहतर ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हो सकता है इसके अंदर जो है ना नजम की बेहतरी हो और अल्लाह ताला बेहतर देखे ना तो उससे भी ज्यादा। आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे गाइड करना है यार, मैं बड़ा परेशान हूँ इस टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दूर चले यार अब मेरा तो। 1 hour later तो जी भैया अपने घर आ गए यार, क्योंकि जो है ना वहाँ पे मैं गया था होटल, होटल में जाके शेफ साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने जो है ना मुझे बताया कि हम आपको जो है ना नहीं देखेंगे, आप जो है ना या तो फाइन पे करें। तो मैंने कहा कि नहीं यार जो है ना आपने अगर नहीं रखना तो मुझे जो है ना आपकी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी उन्हें बताया था कि मुझे प्रॉब्लम है, मैंने इस वजह से छुट्टी की है, तो अब वो नहीं मान रहे। तो मैंने कल जो है ना रिज़ाइन दे दिया, अब मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए कोई और रास्ता खोलेंगे और मैं कोई और काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जैसे जब मेरे लिए कोई बेहतर से बेहतर रास्ता खोलें ताकि मैं और कोई काम स्टार्ट कर सकूँ, और इस जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं, ये मेरा जो है ना है ईमान। तो इंशाल्लाह अब मैं और कोई काम स्टार्ट करूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरी दुआ करनी है और मुझे सपोर्ट करना है और मुझे बताना है आप लोगों ने कि मैं कौन सा काम स्टार्ट करूँ। ठीक है, नूर काफ़ी इस चीज़ से परेशान है नहीं लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए बेहतर से बेहतर हल निकालेंगे इंशाल्लाह। अब आज से जो है ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, कौन सा काम करूँ, देख रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे इंशाल्लाह कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करता हूँ, कोई नई जॉब स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोगों से मैं सबके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, उतनी देर के लिए अब मैं निकल रहा हूँ किसी काम के लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।